Hello everyone. So in the last class we were deriving Fermi Dirac gas. और उसके डेरिवेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा अल्फा है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन के टी दैट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज हेयर. तो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस किया था, वी इंट्रोड्यूस्ड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय एफ यू एंड दैट इज इक्वल टू एन यू अपॉन जी यू. ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था. फिर उसके बाद मैंने बोला था नाउ वील ट्राई टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द केस ऑफ दिस सिस्टम एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स विद द हेल्प ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब हम इसकी हेल्प से देखेंगे हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट हैपेंस एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फर्मी एनर्जी. ठीक है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ यू इज इक्वल टू एन यू अपॉन जी यू एंड दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ई रेस टू पार यू माइनस यू एफ अपॉन के टी प्लस वन, वेयर यू एफ जो है इट रिप्रेजेंट्स द फर्मी एनर्जी एट एनी टेम्परेचर टी. नाउ व्हाट इज द फर्मी एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. देखो हमें ये चीज पता है, एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हेनेवर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो डिक्रीजेस. हियर दीज पार्टिकल्स आर फर्मियॉन्स. सो इट मींस एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम द एनर्जी ऑफ फर्मियॉन्स विल डिक्रीज. दैट मींस ये जो फर्मियॉन्स है हमारे दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द लोअर एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स एज वी कूल द सिस्टम और एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. जैसे जैसे हम सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे वैसे वैसे जो हमारे पार्टिकल्स हैं दे विल नाउ ट्राई टू ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी स्टेट्स. अब यहाँ पर देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा अगर हम बोज आइंस्टीन और फर्मी डिराक को कंपेयर करें. बोज आइंस्टीन में भी हमने यही देखा था जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया था जो हमारे पार्टिकल्स थे वो हमारे ग्राउंड स्टेट में आ गए थे एंड टी इक्वल टू जीरो केल्विन सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो लोवेस्ट स्टेट पर आ गए थे विच इज द ग्राउंड स्टेट. लेकिन अब ये केस जो है यहाँ पर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो हमारे फर्मियॉन्स हैं वो एक ही पार्टिकल एक ही स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. सारे के सारे फर्मियॉन्स जो है एक ही एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट नहीं हो सकते. एक एनर्जी लेवल पे या तो एक पार्ट मैक्सिमम जो है इट कैन हैव ओनली वन पार्टिकल. ठीक है, ईच एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ वन फर्मियॉन, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. तो what happens in this case at T equal to zero Kelvin the energy of all the fermions is not zero. सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होगी? जीरो एनर्जी. ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट हमारी जो स्टेट होगी दैट मींस द ग्राउंड स्टेट इट विल हैव दिस जीरो एनर्जी. तो वहां पर सिर्फ एक ही फर्मियॉन प्रेजेंट होगा एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दिस वी नो ओनली वन फर्मियॉन कैन ऑक्यूपाई वन एनर्जी लेवल. सो वी कैन हैव ओनली वन फर्मियॉन इन द ग्राउंड स्टेट हैविंग जीरो एनर्जी. सो व्हाट हैपेंस एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. सो एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड विद फॉर वन फर्मियॉन ईच टिल ऑल द एन फर्मियॉन्स आर अकोमोडेटेड. तो हमारे पास जो है वी हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट करस्पोंडिंग टू जीरो एनर्जी. तो यहाँ पर जो है हमारा एक फर्मियॉन जो है वो आ गया. ठीक है, फिर हमारा जो सेकेंड एनर्जी लेवल है वहां पर एक और फर्मियॉन आएगा, ऐसे थर्ड एनर्जी लेवल पे एक और फर्मियॉन, सो ऑन. सो एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन जितनी भी हमारी लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं वो जो है भरनी शुरू हो जाएंगी. हर एक स्टेट पर जो है सिर्फ एक ही फर्मियॉन एग्जिस्ट करेगा. बोजॉन्स के केस में क्या था, सारे के सारे बोजॉन्स जो है हमारे इस ग्राउंड स्टेट में आ गए थे हैविंग जीरो एनर्जी.
फर्मियॉन्स के केस में ऐसा नहीं होगा, इस स्टेट पर सिर्फ एक ही फर्मियॉन पॉसिबल है, तो इसके ऊपर वाली जो हमारी एनर्जी लेवल्स है नाउ दे विल बी फिल्ड विद वन फर्मियॉन ईच, ठीक है। तो ये सारे भरते जाएंगे कब तक, जब तक हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो अकोमोडेट नहीं हो जाते इन दीज एनर्जी लेवल्स। लेट्स से यहाँ इस एनर्जी लेवल तक आते आते हमारे सारे पार्टिकल्स जो है वो फिल हो चुके हैं, ठीक है। सो वी से दैट एट दिस एनर्जी लेवल ऑल द एन फर्मियॉन्स आर अकोमोडेटेड, सो ऑल द एनर्जी स्टेट्स अप टू दिस एनर्जी लेवल दे आर कंप्लीटली फिल्ड, and all the states above this energy level are completely empty. This is at T equal to 0 Kelvin. I'm talking about the case of T equal to 0 Kelvin only. That how we distribute the fermions when we have 0 Kelvin temperature, we know at T equal to 0 Kelvin, the energy of the fermions, jo hai, it will decrease, it will be minimum, but सारे फर्मियॉन्स जो है दे कैन नॉट हैव जीरो एनर्जी, ओनली वन फर्मियॉन जो है इट विल बी हैविंग जीरो एनर्जी एंड इट विल ऑक्यूपाई द ग्राउंड स्टेट। जो हमारे बाकी पार्टिकल्स हैं दे विल ऑक्यूपाई द ग्राउंड स्टेट्स, दे विल ऑक्यूपाई द स्टेट्स अबव द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस एट जीरो केल्विन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑल द एनर्जी लेवल्स आर स्टार्ट गेटिंग फिल्ड विद वन फर्मियॉन ईच टिल ऑल द एन फर्मियॉन्स आर अकोमोडेटेड। So we can say that we have an energy level up to which all the energy levels are filled with one fermion each. So all the energy states up to a certain level are completely filled and all the states above this energy level are completely empty. So the energy value up to which energy states are filled at zero Kelvin and above which all these energy states are empty is known as the Fermi energy and it is denoted by UF zero. ठीक है, UFT हमारा क्या था, this is the Fermi energy at any temperature T. Now we are considering the temperature as zero Kelvin. So at T equal to zero Kelvin, what happens? जो हमारी सबसे नीचे की एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो फिल होना शुरू हो जाती हैं विद वन फर्मियॉन ईच, और जब सारे फर्मियॉन्स जो हैं एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो जो हमारा हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल है इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं फर्मी लेवल, और जो एनर्जी होती है करस्पॉन्डिंग टू दिस हाईएस्ट फिल्ड एनर्जी लेवल दैट एनर्जी इज नोन एज द फर्मी एनर्जी UF जीरो। जीरो क्यों है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, सो दिस इज द फर्मी एनर्जी एंड दिस इज द फर्मी लेवल। सो व्हाट इज द फर्मी लेवल, इट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन। एंड व्हाट इज फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी हमारी क्या होती है, दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है अब द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी, और अभी हम T equal to 0 Kelvin ही consider करेंगे। First we are trying to study the system at T equal to 0 Kelvin. So what happens at T equal to 0 to DNU? So DNU हमारा क्या था, NU DU था, given by equation 4.27. This equation जो हमने लिखी थी in terms of energy, ये अब जो हमारी टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द एनर्जी रेंज यू एंड यू प्लस डी यू। नाउ व्हाट हैपेंस एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे जब हमारा यू जो है मतलब एनर्जी जो है जब हमारी ग्रेटर होगी फर्मी एनर्जी से, वी आर टॉकिंग अबाउट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं दे आर नाउ रिसाइडिंग इन द एनर्जी लेवल्स U less than equal to UF, ठीक है, वहीं पर ही सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, U greater than UF पे we do not have any particle, so that means DNU जो है that will be equal to zero for U greater than UF at T equal to zero Kelvin. I hope ये सबको क्लियर है। देखो हम क्या कह रहे हैं,
यहाँ से समझो यूएफ तक हमारे जो सारे एनर्जी स्टेट्स हैं दे आर फिल्ड विद वन फर्मियोन ईच. इसके ऊपर के जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दे आर कम्प्लीटली एम्प्टी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. सो दिस मीन्स जो हमारा डी एन यू है वो हमारा नॉन जीरो होगा फॉर यू लेस देन यू एफ और इक्वल टू यू एफ. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स जो है अकोमोडेटेड है, ये स्टेट्स हमारी फिल्ड है. तो पार्टिकल्स जो है सिर्फ जीरो से यूएफ एनर्जी लेवल में ही प्रेजेंट होंगे. यूएफ से ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं दे आर कम्प्लीटली एम्प्टी. सो फॉर यू ग्रेटर देन यूएफ डी एन यू जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. और अल्फा हमारा क्या हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो केल्विन, इट इज माइनस यूएफ एज अ फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन के टी. यहाँ पर हमने टी को सब्स्टिट्यूट किया है जीरो. So alpha is minus mu f upon kt or alpha is equal to minus uf upon kt where uf is the Fermi energy at temperature T. Now at T equal to 0 Kelvin uft jo hai it will be replaced by uf 0 where uf 0 jo hai it is now representing the Fermi energy at T equal to 0 Kelvin. So what will be our nu du now at t equal to 0 Kelvin. ये expression हमने लिखी है at t equal to 0 Kelvin. हमारा nu du क्या था 4.27 equation से वो मैंने अभी दिखाया था just, उसमें बस हम यहाँ पर minus uf 0 जो है वो substitute कर देंगे. कैसे एक बार देख लो, ये थी हमारी equation. ठीक है, Now we are trying to write this equation at T equal to 0 Kelvin. तो alpha को हम लिखेंगे minus UF upon KT where UF is now the Fermi energy at 0 Kelvin. ठीक है, तो alpha को हमने लिख दिया minus UF upon KT. तो हमारे पास जो है NU DU हो गया ये. तो ये हमारा क्या है, this is GU. And one upon this term is Fermi Dirac distribution function. तो nu du जो है इसको हम लिख सकते हैं fu into gu du. यहाँ पर जो हमारा Fermi Dirac distribution function है वो है at t equal to 0 Kelvin. Why at t equal to 0 Kelvin? क्योंकि ये जो हमारा fu है इसमें यहाँ पर हम UF जीरो लिख रहे हैं. फर्मी एनर्जी जो है इट इज एट जीरो केल्विन. सो NU DU को वी कैन राइट एज FU इनटू GU DU. FU हमारा क्या है 1 अपॉन e रेज टू पावर U माइनस UF जीरो अपॉन KT प्लस 1. नाउ जो हमने अभी एक चीज बोली कि हमारे UF जीरो तक सारे लेवल्स फिल्ड होंगे और उसके बाद सारे लेवल्स एम्प्टी होंगे, वो अब हम यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ विद द हेल्प ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. वी आर स्टार्टिंग द केस एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. सो एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन व्हाट हैपेंस व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन यूएफ. ठीक है, जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जो है यूएफ जीरो से कम है तो क्या होगा एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. FU में when we are considering U less than UF, इसका मतलब हमारा जो exponential है वो negative हो गया, U is less than UF. Next, यहाँ पर हमारा T आ रहा है upon KT and T is zero, तो ये हमारा क्या हो गया e raised to power minus infinity plus one denominator में. तो e raised to power minus infinity हमारा क्या होता है zero, तो fu हमारा क्या हो गया one upon zero plus one. so this means fu जो है Fermi Dirac distribution function becomes one at t equal to zero kelvin when u is less than uf. तो fu अगर हमारा one है this means nu is equal to gu. gu हमारा क्या represent कर रहा है, these are representing the energy levels, number of energy levels. n क्या represent कर रहा है, हमारे number of particles. तो at t equal to 0 Kelvin for u less than uf fu comes out to be 1, so nu is equal to gu. मतलब हमारे जितने energy levels हैं उतने ही particles हैं और हर एक एनर्जी लेवल जो है इट कैन हैव ओनली वन फर्मियन. इसका मतलब क्या है, जो ऑल द एनर्जी स्टेट्स जो है हमारी बिलो
UF, they are filled with one fermion each. जीरो से यूएफ तक सारे के सारी एनर्जी लेवल्स जो हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद वन फर्मियन एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, जो हमने पहले बोला कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है. ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक एनर्जी लेवल जो है इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ वन फर्मियन, और यही यहाँ पे हुआ. एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन व्हेन यू इज लेस देन यू एफ, देन एफ यू कम्स आउट टू बी वन, विच शोज दैट एन यू इज इक्वल टू जी यू. सो ऑल द एनर्जी स्टेट्स दे आर फिल्ड विद वन फर्मियन ईच. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू इज ग्रेटर देन यू एफ. देखो हमारा एफ यू में जब यू ग्रेटर देन यू एफ है, हमारा ये टर्म पॉजिटिव होगा, विच इज डिवाइडेड बाय के टी एंड टी इज जीरो, तो ये हमारा हो गया ई रेस्ट पर इंफिनिटी. ई रेस्ट पर वन अपॉन जीरो है ना, ई रेस्ट पर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो इंफिनिटी प्लस वन इज ऑल्सो इंफिनिटी, सो एफ यू हमारा क्या हो गया, वन अपॉन इंफिनिटी. दैट मीन्स एफ यू जो है इट इज इक्वल टू जीरो. सो दिस मीन्स एन यू इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे एनर्जी लेवल्स हैं ग्रेटर देन यू एफ, जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं अबव द फर्मी लेवल, उसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है. जितने एनर्जी लेवल्स हैं अबव द फर्मी लेवल एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, दे आर वेकेंट. सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द एनर्जी स्टेट्स बिलो यू एफ. यू एफ तक हमारे सारे पार्टिकल, सारी स्टेट्स जो है वो फिल्ड है. अबव यू एफ हमारी सारी स्टेट्स जो है वो वेकेंट है, और ये हम यहाँ पर अब देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो एट टी इक्वल टू जीरो फॉर यू ग्रेटर देन यू एफ, वी हैव सीन दैट एन यू इज जीरो, सो ऑल द एनर्जी स्टेट्स जिनकी एनर्जी यू एफ जीरो से ज्यादा है, दे आर वेकेंट. दिस क्लासिफाइज दैट एट जीरो केल्विन ऑल द स्टेट्स विद एनर्जीज अप टू यू एफ जीरो दे विल बी फिल्ड, while all the states with energy greater than UF zero they will be vacant. जितनी हमारे levels हैं up to UF zero वो हमारे filled होंगे, completely filled by one fermion each, और जितनी भी हमारी energy states हैं above UF zero या above Fermi level they will be completely vacant. जब एनर्जी यू लेस देन यू एफ है इन दैट केस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज वन, एंड व्हेन यू इज ग्रेटर देन यू एफ देन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज जीरो. ठीक है, ये यहाँ पर जो है प्लॉट भी किया गया है. अभी इस सॉलिड कर्व को देखो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्लॉट ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. यहाँ पर हमारी एनर्जी है इक्वल टू फर्मी एनर्जी यू एफ एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. यहाँ देखो जब हमारी एनर्जी यू एफ जीरो से कम है, दैट मीन्स यहाँ तक जीरो से यू एफ तक हमारा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ यू है वो कितना है, वन. और जैसे हमारी एनर्जी जो है इट बिकम्स ग्रेटर देन यू एफ, इन दैट केस एफ यू बिकम्स जीरो. ठीक है, सो दिस इज द प्लॉट ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे लोअर लेवल पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उनको एनर्जी मिलेगी, एंड दे विल नाउ मूव टू द हायर एनर्जी लेवल. तो सबसे पहले जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दैट आर क्लोज टू द फर्मी लेवल, वहां पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सबसे पहले वो पार्टिकल्स जो है हायर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे. तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया. जो हायर एनर्जी लेवल्स है वहां पर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो वहां से कम होंगे, एंड दे विल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द हायर एनर्जी लेवल. तो इस वजह से हमारा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इस तरीके से बिहेव करेगा. और ये चीज जो है यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स व्हेन वी इंक्रीज द एनर्जी. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर. ये अभी हम सारा जो है मैं एक एक करके सारा समझाऊंगी, पहले इसको एक बार पढ़ लो. So we have plotted the graph between U, we have plotted a graph between FU
अगेंस्ट यू एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, ये मैंने समझा दिया, ये हमारा ग्राफ आया इस तरीके का, ठीक है। नाउ एट हायर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, शेप ऑफ द कर्व जो है इट इज शोन बाय द डॉटेड लाइन, और हमारा टेम्परेचर कुछ भी हो, एट एनी टेम्परेचर टी, हमारा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमेशा हाफ होगा व्हेन यू इज इक्वल टू यू एफ। देखो ये हमारा एफ यू है, यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर इफ आई सब्स्टिट्यूट यू इज इक्वल टू यू एफ, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। दूसरी एक्सप्रेशन देख लो, यहाँ पर दिस इज आर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट एनी टेम्परेचर टी, सो व्हेन यू बिकम्स इक्वल टू यू एफ, जब पार्टिकल की एनर्जी जो है फर्मी एनर्जी के बराबर हो जाएगी एट एनी टेम्परेचर टी, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा, e raised to power u minus uf when u is equal to uf, so this is become, so this becomes e raised to power 0, e raised to power 0 is 1, so fu becomes 1 upon 1 plus 1, that means half, to matlab hamara kuch bhi temperature ho jab particle ki energy fermi energy ke equal hogi us case mein fermi dirac distribution function jo hai wo hamara half ho jayega, ye bata raha hai, at any temperature t fu is always half for u equal to uf, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, देखो यहाँ पे 0.5 लिखा है, that means fu is equal to half at t is equal to 70 kelvin, हमारे जो higher states हैं, उनके जो जो हमारी filled energy states थी at t equal to 0 kelvin, उनमें जो higher energy levels थे, higher filled energy levels थे, वहां से जो हमारे particles हैं, अब वो वहां से हटके जो है हायर वेकेंट एनर्जी लेवल्स पे आ जाएंगे, तो हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इस तरीके का हो जाएगा, एंड एट यू इज इक्वल टू यू एफ इट विल बी इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हमारा 70 केल्विन से ऊपर होगा तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या हो जाएगा, देखो अब ये यहाँ से और कम हो जाएगा, मतलब और पार्टिकल्स जो है हायर वेकेंट एनर्जी लेवल्स पे जा रहे हैं, तो ये कम हो जाएगा और यहाँ पे ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर मैं प्लॉट करूं फॉर टी लेस देन 70 केल्विन, तो क्या होगा, देखो कुछ पार्टिकल्स जो है यहाँ से चले गए पर हाफ पे ही कट करेंगे, ठीक है, और कुछ जो है हमारे ऊपर फिल हो गए, ठीक है। सो ये हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट जीरो केल्विन इट इज गिवन बाय दिस, एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन यहाँ से जो है ये डिक्रीज होना शुरू होगा और यहाँ की तरफ मूव करेगा, बट एट यू इक्वल टू यू एफ इट विल कट एट 1/2, बिकॉज एट एनी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज हाफ for u equal to u f. I hope ये अब सबको clear है graph. Now next, again from equation 4.37 as expected, nu decrease rapidly from u greater than u f at small temperatures. At t equal to 0 Kelvin, there is complete cutoff beyond u is equal to u f 0 and becomes 0 for u greater than u f. At higher temperatures, the cutoff is not very sharp. A graph between nu and u is shown in the figure. ये क्या represent कर रहा है? ये हमारा ये graph represent कर रहा है. देखो ये क्या बता रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं at t equal to 0 Kelvin, what happens to the number of particles? So at t equal to 0 Kelvin, जब हमारा u जो है, when it is greater than uf. ठीक है, मैं u greater than uf की बात कर रही हूँ, at t equal to 0 Kelvin, जब u हमारा uf से ज्यादा है, उस केस में what happens to nu? nu हमारा क्या है? nu is equal to fu, nu du हमारा क्या है? This is fu into gu du. ठीक है, तो nu हमारा क्या होगा at t equal to 0 Kelvin when u is greater than uf? हमारा जो gu है, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये है हमारी एक्सप्रेशन एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है, जी यू डी यू तो हमारा एज इट इज रहेगा, एफ यू के हिसाब से एन यू जो है हमारा वो वेरी होगा, एफ यू हमारा क्या है, एफ यू इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, व्हेन यू जो है इट इज ग्रेटर देन यू एफ,
ठीक है, जब यू हमारा ग्रेटर देन यू एफ है, ये टर्म हमारी क्या हो गई इन्फिनिटी, तो इट बिकम्स वन अपॉन इन्फिनिटी, सो एफ यू इज जीरो व्हेन यू ग्रेटर देन यू एफ, सो एन यू जो है इट विल बी जीरो. सो फॉर the energy is greater than uf, nu jo hai it is equal to 0 at t equal to 0 kelvin. to yahan par t equal to 0 kelvin pe for u greater than uf, nu jo hai wo hamara complete zero hai. theek hai, what happens when u is less than uf? jab u hamara less than uf hai, us case mein hamara fu kitna hai? fu hamara ho gaya 1. ठीक है, ये हम देख चुके हैं t equal to 0 kelvin for u less than uf, fu is 1. तो fu हमारा जो है nu du के एक्सप्रेशन में 1 हो गया. अब nu जो है इसके न्यूमरेटर में u raised to पर हाफ है, तो मतलब fu तो 1 है. जैसे जैसे एनर्जी हमारी बढ़ेगी, n जो है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज हमारा जो n है दैट इज directly proportional to u, nu du is directly proportional to u raised to power half du. तो यही यहाँ पे यही हो रहा है, जैसे जैसे u हमारा बढ़ रहा है, हमारा n जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड एट u इक्वल टू यू एफ इट इज एट फॉर द एनर्जीज अप टू यू एफ पार्टिकल्स जो है दे आर फिल्ड. And after UF, what happens? There will be no particles in the states which are having the energies greater than UF. And as U increases below UF, then this is the behavior of N with U at T equal to 0 Kelvin. I hope ye sabko ab clear hai. Now, ab hum dekhenge what happens at temperatures other than 0 Kelvin. What happens when temperature is greater than 0 Kelvin? If temperature hamara greater than 0 Kelvin hai, then at U equal to UF, hamara FU jo hai wo half hoga. Theek hai? To NU jo hai wo hamara jo hai ek hi point par cut kar raha hai for both the temperatures, greater than 0 Kelvin and greater than 70 Kelvin. Now, ab kya hoga? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, जो हमारी हायर लेवल्स हैं, वहां से जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो हटकर जो हमारे हायर फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं, देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, इस तरीके से समझ में आ जाएगा अगर वह सभी अगर अभी समझ में नहीं आया है. दीज आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स. हम कहते हैं at t equal to 0 Kelvin, सपोज यहां तक जो है सारी एनर्जीज हमारी फील्ड है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी एनर्जी, और सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी लेवल, एंड यू एफ इज रिप्रेजेंटिंग द फर्मी एनर्जी corresponding to this Fermi level at T equal to 0 Kelvin. Now, as we increase the temperature, what happens? ये जो हमारे filled एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इनमें जो हायर फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं, दे विल गेट सम एनर्जी, सो दे विल नाउ लीव दिस एनर्जी लेवल एंड दे विल मूव टू द हायर एनर्जी लेवल्स. सो व्हाट हैपेंस एट हायर एनर्जीज, जो हमारी यहाँ की एनर्जीज हैं यू एफ से और यू एफ के थोड़ी सी नीचे जो एनर्जीज हैं, वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो निकलकर कहाँ चले जाएंगे, वो हमारे निकलकर हायर एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो हमारे ऊपर चले गए इन पोजीशंस को छोड़ के, इन एनर्जी लेवल्स को छोड़कर वो हमारे हायर वेकेंट एनर्जी लेवल्स में चले गए. जैसे जैसे हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो ये जो नीचे के एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ से भी जो फर्मियॉन्स हैं, दे विल मूव टू द हायर वेकेंट एनर्जी लेवल्स. तो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड दे विल ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल्स अबव द फर्मी लेवल एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो दिस इज हाउ द बिहेवियर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिसाइडिंग इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर. At T equal to 0 Kelvin, all the energy levels up to the Fermi level will be filled, and above the Fermi level, they will be completely empty. So, up to the Fermi level, all the energy levels are completely filled with one fermion each at T equal to 0 Kelvin. And as we increase the temperature,
then the particles present in the higher filled energy levels, they will now gain the energy and they will now move to the vacant energy levels. And as we increase the temperature, more and more particles will now go to the vacant energy levels. So this is how Fermi-Dirac distribution function varies with U, with the variation in temperature. And this is how the number of particles varies with U at different temperatures. ठीक है, तो अब हम क्या है, अभी भी हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ. दिस इज अ वेरी लेंथी डेरिवेशन, द डेरिवेशन ऑफ फर्मी डिराक गैस. अभी हमने शुरू में क्या देखा था, सबसे पहले फर्मी डिराक गैस में कि अल्फा जो है हमारा, इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज एज वेल. तो फिर हमने पहले बोस आइंस्टीन गैस वाली अप्रोच ही यूज करी. फिर हमने देखा कि एफ वन अल्फा और एफ टू अल्फा जो है उसको सॉल्व करना मुश्किल है, बिकॉज अल्फा जो है इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. सो वी आर नाउ trying to see the distribution of particles in different energy levels with the help of Fermi-Dirac distribution function, which is equal to 1 upon e raised to power u minus uf upon kt plus 1. फिर हमने यहाँ पर देखा कि what happens to the Fermi-Dirac distribution function against u at different temperatures and what happens to the number of particles with increase in energy at different temperatures. ठीक है, अब next, इसके बाद हम next class में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले find करेंगे इस expression को. This is important. Exam में ये separately भी आ जाता है, like कि determine और derive the expression of Fermi energy at T equal to 0 Kelvin. तो next class में हम सबसे पहले इस UF0 जो है इसकी value निकालने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो हमारी Fermi derived gas है ये कब हमारी degenerate होती है, कब non degenerate होती है, कब strongly degenerate होती है, कब weakly degenerate होती है. ठीक है, so this we'll see in the next class. तो next class में जो है हमारा ये derivation जो है ये complete हो जाएगा.